अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमेर और आज हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में एक रियल पीनट बटर खाना चाहते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और ये कितना 100% जो है वो रियल है। इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये बिल्कुल नेचुरल है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। मैंने दराज से जो है ये ऑर्डर किया है और मेरे पास जो है ये दो फ्लेवर जो है आ रहे हैं। और ये गिफ्ट है, ठीक है, तो ये शायद ना मिले आपको। तो इसमें हमारे पास दो जो है फ्लेवर्स हैं, एक है क्रंची पीनट बटर और एक है स्मूथ पीनट बटर। तो इनका जो कंपनी का नाम है वो है पिकी पंच। तो ये अगर आप सीधा सीधा जाके दराज पे जाके सर्च करेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें न्यूट्रिशन वगैरह वो सब देखेगी आपको। तो ये प्रोटीन के वाले से अगर आप देखें, एक स्कूप में आपको 8.6 ग्राम तक मिलता है जो कि एक अंडे के बराबर है ग्राम वो प्रोटीन। तो आप एक अंडा खाएं या सिर्फ एक स्कूप ये इसका खा लें तो आपकी जो प्रोटीन लेवल है पूरा हो जाता है। इसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो इससे पता चलेगा कि कहीं से भी ये अननेचुरल नहीं है, सारी चीज़ें नेचुरल हैं। मूँगफलियाँ हैं, नमक है और पाम ऑयल है और शुगर है, सिर्फ ये चार चीज़ें हैं। इसकी बिहाव पे ये जो है इन्होंने अब ऐसे समझ लें, ऐसे मार्केट में जाके आप जो है मूँगफलियाँ लेकर आएँ, पाम ऑयल लाएँ, उसको ग्राइंडर में डाल के उसको घोटें तो वो वही चीज़ होती है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, नेचुरल है 100%। इसी वजह से इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है। अगर तो ये समझ लें कि अगर आपने इसकी जो ये पहले तो ये हम इसकी पैकिंग ओपन करते हैं, तो अगर आपने इसकी ये पैकिंग जो है एल्युमिनियम की ये ओपन कर दी तो इसका मतलब है कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर इसको खाना है और फ्रिज के अंदर रखना है और बाहर नहीं रखना वरना ख़राब हो जाएगा। दूसरा ये इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये 100% जो है नेचुरल है। मैंने पहले जो है ये मंगवाया था, अब मैंने दोनों फ्लेवर मंगवाए। तो अब हम इनको ओपन करके इसका टेक्सचर देखते हैं। तो इनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि अगर ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा वो गीला गीला हो रहा हो तो उसको आपने मिक्स कर लेना है क्योंकि वो ऑयल ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है क्रंच वाला है, इसमें छोटे छोटे आपको जो है दिखेंगे बिल्कुल जो है रियल मूंगफली डायरेक्ट इसमें डाली गई है। तो देख सकते हैं क्योंकि कुछ पीनट बटर्स में आपने देखा हो या पता हो या ना पता हो कि इसमें जो बड़ी कंपनी से वो रुई वगैरह इस्तेमाल करती हैं टेक्सचर डालने के लिए, कि इसमें वो बहुत सारी प्रिजर्वेशन डालती हैं सालों के हवाले से ताकि वो उसको यूज़ करते रहें बस सालों तक। लेकिन ये बहुत कम शेल्फ लाइफ है इसकी, 1 महीना मेरे ख्याल से उससे भी कम है कि नेचुरल है इसलिए। तो ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ठीक है, बहुत गाढ़ा है। अब इसको हम बंद करते हैं। इसका एक सैंपल यहाँ पे रख लेते हैं। और ये बिल्कुल स्मूथ वाला है,
इसमें कहीं से भी क्रंच नहीं होगा, बहुत स्मूथ है। लेकिन आपको इसमें स्टार्ट में इसको शेक करना है अच्छी तरह से, ताकि ये मिक्स हो जाए ऑयल और वो पीनट बटर पीनट। अब ये हो गया है स्मूथ। इसको आप इजीली ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं या डायरेक्टली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी स्मूथ और टेक्सचर आप देख सकते हैं। ये इसका भी एक सैंपल यहाँ डाल दें। ये समझ लें कि सेम है, दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन बस में जो है वो छोटे छोटे चंक्स आपको मिलेंगे पीनट के, दोनों सेम ही चीज़ हैं। तो ये थी हमारी अनबॉक्सिंग पिकी पंच पीनट बटर के हवाले से, जो कि हमने दराज से बाय किया था। इसकी जो प्राइस है वो मेंशन मैं नहीं कर सकती हुई कि वो कम ज़्यादा होती हो सकती है, तो आपने डायरेक्ट जो है जाके सर्च करना होगा। हो सका तो मैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप डायरेक्ट भी इसको सर्च कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल हुआ तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप नेचुरल पीनट बटर ख़रीदना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं पिकी पंच को रिकमेंड करूँगा, जो कि मैंने खुद जो है इस्तेमाल किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने दो और मंगवाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।